सुनते नहीं थे, एक्चुअली वो बर्दाश्त कर जाते, बर्दाश्त कर जाते थे, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, वहाँ पे रिलेशंस की वैल्यूज ज़्यादा होती थी, वहाँ तोड़ने पे विश्वास ना करके वो जोड़ने पे विश्वास करते थे। जो आज ये हो गया है कि दोनों पॉइंटों को साइड में रखने के बाद में एक शब्द आ गया है मे, जो शब्द आ चुका है मे, मतलब कोई भी चीज़ होगी तो उसमें एक चीज़ सबसे ऊपर भूमिका हो चुकी है मे। अगर कोई भी बात होती है, अगर वो गलत है या सही है, तो मैंने सही किया है या गलत किया है, हम उस पर आके अटक जाते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई ये करना है सबसे पहले कि तनाव के ऊपर, मैंने कहा कि अगर स्टूडेंट है उसका एक तनाव अपनी अपने ऊपर है, अपने हिसाब से। एक छोटे से बच्चे को बींग अ टीचर, कोई स्टूडेंट आता है वो बोलता है मेरे लिए ये परेशानी है, ठीक है, बींग अ टीचर हम लोग देखते हैं उसे, हम बोलते हैं यार ये तो बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि हम उसे किस नजरिए से देख रहे हैं, एक टीचर के हिसाब से, एक टीचर के हिसाब से। बट अगर हम कोशिश करके नीचे झुक के समझें एक स्टूडेंट के हिसाब से, तो वही परेशानी जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तब वो परेशानी मेरे लिए बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। हम सॉल्यूशन जब करते तो प्रॉब्लम्स कहाँ आती है समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जब पेरेंट्स मीटिंग लेता हूँ, वहाँ जब तनाव होता है कि बच्चों के अंदर माता पिता के बीच में पट्टी नहीं या कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, क्यों होता है, वहाँ समझने की कोशिश। मैं पेरेंट्स से ही बोलता हूँ कि आपकी हाइट सपोज 6 फिट है, आपकी हाइट सपोज 5 फुट 5 इंच है, आपकी हाइट कुछ भी है, आपके बच्चे से ज्यादा है, समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे से ज्यादा है। अब आपका बच्चा बहुत छोटा है, बच्चे को आपको गोदी में लेना है, तो आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, झुकना होगा, हमें झुकना होता है, बच्चे को झुकेंगे देन होल्ड करेंगे। मैं कोशिश करूँ कि बच्चा चढ़ के आ जाएगा, इज इट पॉसिबल, नहीं ना। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को झुक के बच्चे को गोदी में लेते हैं, उठाते हैं, जो हमने झुके बच्चे को गोदी में लिया, सेम थिंग जब बच्चे के पास उसकी लाइफ में जो परेशानी आ रही है, तो हम अपने कद को नीचे झुक के सोचने की कोशिश करें कि उस कद पे कौन सी परेशानी, ये परेशानी उसके जीवन में कितनी हाइट है, वो समझने की हम कोशिश करें, पॉइंट नंबर वन, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, जब उसकी परेशानी आ रही है तो सोल्यूशन हम एक्सपर्ट के हिसाब से देखने की जगह हम इस हिसाब से देखने की कोशिश करें कि उस एज में अगर मैं रहता तो मैं सोल्यूशन क्या फाइंड आउट करता, पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, आपको ये देखना है कि बच्चे की क्षमता क्या है, मैं जो सोल्यूशन दूंगा वो सोल्यूशन बच्चा ले सकेगा या नहीं ले सकेगा, वो ऑप्ट करने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में डाल सकेगा या नहीं डाल सकेगा, ये है पॉइंट नंबर थ्री। ये तीनों पॉइंट का कॉम्बिनेशन करने के बाद में अब मुझे आइडेंटिफाई ये करना है कि अब मैं बड़ा होने के हिसाब से ये सारी परेशानी को मैं समझ चुका हूं, इस परेशानी को लेके मैं सोल्यूशन कैसे दूंगा, पॉइंट नंबर थ्री। बींग अ टीचर हमने डिस्कस किया, बींग अ टीचर, ठीक है, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में जब परेशानी मेरे पास आती है, कोई इवेंट मेरे पास आता है, कोई भी इवेंट मेरे पास आता है, हम लोग बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं, परेशान, बिकॉज एवरीवन हैविंग द 24 आवर्स ओनली, और 24 आवर्स के हिसाब से वो लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। कुछ होते हैं कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ परेशानी को लेते हैं, कुछ ना कुछ होते हैं उस परेशानी छोड़ के सिर्फ सोल्यूशन के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन पे जाने की कोशिश करते हैं। हमें सबको पता, देखिए समझने के लिए सबको मालूम है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन सिस्टम और प्रॉब्लम क्या है, एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, सिर्फ हाथ उठा के मुझे बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो सच में भूत प्रेतों पे विश्वास करते हैं कि हाँ कुछ होता है, प्लीज जो भी है जो विश्वास करते हैं कि हाँ कुछ तो होता है, चलिए वेरी गुड। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको बिल्कुल विश्वास ही है ऐसा कुछ नहीं होता है, सब वहम है, प्लीज रेज योर हैंड्स, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसे कितने लोग जो बीच में एक्टिव है, होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता है, ओके, चलिए वेरी गुड, ठीक है, तीनों बटे हुए। अरे बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपके सामने है, ठीक है, या एक जादूगर है या सो कॉल्ड, अच्छा जो बाबा आते हैं, गुरुज आते हैं ना, और गुरु घंटा ज्यादा होते हैं, हमने देखे हुए हैं, ठीक है, मतलब सो देखेंगे, सोने से एक आध ऐसे मिलेंगे जो जिनाइन, लेकिन जिनाइन तक पहुंच नहीं पाते, 99% तक हमने इतना फ्रॉड देख चुका है कि 1% बिलीव करने में बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है। और तीसरे क्या है, तो हम हमेशा तीसरे के एक्सपीरियंस को जीते हैं, अपना एक्सपीरियंस जीने की कोशिश कम करते हैं। एक समझने की कोशिश कीजिए, एक गुरु है, ठीक है, बाबा है, जादूगर है, उसने क्या किया, एक मुंडी लेके आया, क्रिस्टल होता है, उसने हाथ पे रखा, ठीक है, और उसने हाथ पे रखा, उसके अंदर उसने हाथ डाल दिया, समझने की कोशिश की, हाथ डाला, हाथ ऐसे निकाला, ठीक है, उसने लाल लाल कुछ निकला, उसने दो चार मंत्र किए, कोई भी मंत्र गाए वैसे करके फेंक दिए, ठीक है। पहला व्यक्ति जिसको बिल्कुल विश्वास नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, उसके ऊपर वो रेडनेस गई, ठीक है। अब जो उसके ऊपर गई तो उसने क्या बोला, क्या है, बेवकूफ बना रहा है,
खून की जगह क्या फेंकता है, सॉस, समोसा दे देता यार, सॉस फेंकता समोसा दे देता, ठीक है। पॉइंट नंबर वन, पहला व्यक्ति, ठीक है, जिसको बिल्कुल विश्वास नहीं, उसके लिए क्या है, ये तो सिर्फ ढोंग है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति के ऊपर से फेंका जिसको विश्वास है, समझिएगा, जिसको विश्वास है कि भूत होता है या ऐसा कुछ होता है। अब बाबाओं को देखा ना आपने, पहनावा, बोलना, चलना, सब कुछ, मतलब क्या मंत्र बोलते हैं उनको खुद को ही पता नहीं, पता ये नहीं मालूम, ठीक है, मतलब बोलना है। अब उसने उनके ऊपर फेंका, ठीक है, जिसको डर लगता है, मुझे बताइए क्या होगा, होगा क्या, कैसे डरेगा, उसने फेंका, ठीक है, आप समझ जाइए, लिखिएगा, उसने क्या है, कलर उसने फेंका, ठीक है, या रंग फेंका, कोई भी चीज उसे फेंकी, उसके ऊपर जब आया तो उसके ऊपर क्या आया, एकदम से होगा क्या, उसने जो भी मंत्र बोला वो एक्शन और रिएक्शन किए, उस एक्शन से रिएक्शन से साथ साथ क्या हुआ, उसकी बॉडी पे वो रिएक्शन आना शुरू हो गया और वो घूमने लगा, हुआ नहीं हुआ, यस नो, एक्शंस के साथ रिएक्शन आया उसकी बॉडी के अंदर से। अब जब जो रिएक्शन आया उसने घबराना शुरू किया तो जो 50% लोग थे उनके ऊपर भी क्या होने लगा, यार कुछ तो है, बाबा आया, समझने की कोशिश, क्या है, कुछ तो है, बाबा आया, ठीक है। अब क्या है, बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग हो, ठीक है, दिस ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम, समझने की कोशिश कीजिए, क्या है बिलीफ सिस्टम, जिसने बिलीव किया है कि हाँ यहाँ कुछ होता है, ठीक है, क्योंकि हमने बचपन में देखा था, सुना था, कहीं से कोई आवाज आती है, आसपास में कुछ होता है, जब अकेले होते हैं तो परेशान होते हैं, हमें अक्सर ही महसूस होता है कि संबंध फॉलिंग, ठीक है, कोई हमारे पीछे है, अकेले होंगे, सारी चीजें हमारे दिमाग के अंदर चलती है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग के अंदर चलती थी। समझने की कोशिश कीजिएगा, जो मैंने आपको एक स्टार्टिंग कहा था कि गेट के अंदर जो खिड़की बंद कर ली वो मेरे हाथ में है, तो उसी हिसाब से मेरा बिलीफ सिस्टम कैसा सेट होगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं, किसी भी दूसरे के हाथ में नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, लॉ ऑफ कर्मा अगर समझ के चलते, लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से अगर आप स्ट्रेस को समझने की कोशिश करेंगे तो वहां पे जो मैंने भगवद गीता में के हिसाब से आपको बताया है कि जो कर्म है उस कर्म के हिसाब से यू कांट चेंज योर पास्ट, इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट, सो हाउ कैन अस, बट होता क्या है कि पास्ट का एक्सपीरियंस प्रेजेंट के पीपल, पास्ट का एक्सपीरियंस और प्रेजेंट के पीपल, जो पास्ट का एक्सपीरियंस है हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं पास्ट का एक्सपीरियंस को काउंट करते हैं और प्रेजेंट के लोगों के साथ में उसे रखते हैं, वहां काउंट आउट करते हैं ये सही है या गलत है। कोई व्यक्ति आया, कुछ भी हो गया, हमने सिर्फ क्या और सिर्फ उसे क्या रखा है, पास्ट का एक्सपीरियंस को प्रेजेंट में, पास्ट के एक्सपीरियंस को प्रेजेंट में। वो एक बात देखेगा, बहुत बेसिक चीज, जब किसी गुरु के पास जाते हैं, कहीं जाते हैं, कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हो रहा है, मेरा तो दिन खराब जाता है, मेरे साथ बुरा, अच्छा एक और चीज है ना कि अच्छे के साथ ही बुरा क्यों होता है, ये देखा ना हमने क्या होता है, अच्छे के साथ ही बुरा होता है, ठीक है। अब ये सारे सोल्यूशन के समय क्या होता है, फाइनलाइज होती है, बात क्या होती है, गुरु लोग क्या बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पुराने जन्म के कर्म, जब उनका कोई फाइंड आउट नहीं मिलता ना, कोई सोल्यूशन नहीं मिला, उनका एक ही बात है, क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ पुराने जन्म के कर्म है जो आज लौट के आ रहे हैं। ये सुनो, ऐसा सभी ने सुना होगा, सभी ने सुना होगा कि हाँ आपके पूर्व जन्म में ऐसा होता है, क्योंकि रिलीजन में बोला भी है कि पूर्व जन्म में जन्म होता है, रीबर्थ के बारे में बात की है, ठीक है, किसी भी रिलीजन की बात बोलो उसमें होती है। लेकिन मुझे एक बात, बड़ा ही बात बताइए आप, सिंपल सी, बहुत सिंपल सी बात बताइए, आज अभी के समय में अगर किसी बच्चे के साथ में बलात्कार होता है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी है, शांत है, ठीक है, उसके साथ ऐसा कुछ होता है, तो क्या उसके पुराने जन्म का कर्म है, बताइए, ये सुनो, क्या उसके पुराने जन्म का है, उसको जो अभी अकल भी नहीं आई ना, वो समझ भी नहीं पाई है ना कोई चीज है, लेकिन उसके साथ ऐसा हो गया, अब इसमें आप ये बोलेंगे पूर्व जन्म है ये, है क्या, समझने की कोशिश कीजिए, पूर्व जन्म है क्या, ये सिर्फ और सिर्फ क्या फिलोसफिकल बातें हैं कि पूर्व जन्म है, एक्चुअली में हम ये नहीं समझते हैं कि हमेशा एक बात ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा कि अगर किसी का भला होता है तो उसके पीछे सबका हाथ होता है, किसी का बुरा होता है तो उसके पीछे किसी एक का हाथ होता है, एक से चीजें बिगड़ती हैं और सबसे चीजें ही बिगड़ती हैं, तो एक से चीजें सुधरती हैं तो सबसे चीजें भी सुधरती हैं, सबका साथ और एक का साथ, सब कैसे बनेंगे किसी एक व्यक्ति से, अगर मैंने ये अभिमान पाल लिया कि आज जो कुछ हूं मैं अपने कर्मों के साथ हूं। हम बोलते हैं ना कि सफलता की सफलता है या सक्सेस है उसकी डेफिनेशन क्या, अगर मैं ये सोच लूं ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कर्मों से, क्या ये है, बताइए ना, एग्जैक्टली हम क्या सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरे कर्मों से, लेकिन मेरे कर्मों से कैसे, मेरे कर्मों से कैसे, मेरी लाइफ में कोई शिक्षा कैसे आए थे, जिन शिक्षा से मुझसे ये कहा था भाई तू जॉब मत करना तो लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तुम बस ये काम करते जाना,
मतलब मेरी लाइफ में उन्होंने पढ़ाया नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन उनका एक जो शब्द था, एक शब्द था उसने मेरी मेली हाइट थी ना कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। एक टीचर अपने स्टूडेंट को ये बोलता है बेटा कुछ भी नहीं होगा, लाइफ में बेस्ट होगा, अपना काम कर, अपना काम कर, सिर्फ बेस्ट होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके काम को नहीं देखेंगे किसी ने जगह दिया। एक बात बताइए, लोग रिलेशनशिप में अलग हो जाते हैं, ठीक है, लोगों के पास फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, लोगों के सामने अपना बहुत ही खास होता है, उसका इंतकाल हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लॉसेस आते हैं, लेकिन क्या वो लॉस के साथ साथ जो दुख पैदा होता है वो दुख हमेशा रहता है? समझने की कोशिश, बहुत प्रैक्टिकल। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, आप लोग अपने माता पापा से प्यार करते हैं, कुछ भी करते हैं, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, लेकिन सत्य क्या है, सत्य क्या है, हमारे एक महीने, दो महीने, तीन महीने तक हमारे इमोशन बहुत कनेक्टिविटी रहेगी, बहुत कनेक्टिविटी, बहुत कनेक्टिविटी रहेगी। हम रोज एक नए क्या होता है, ताजा फूल लगाते हैं, ताजे फूल की माला लगाएंगे, एक साल के बाद क्या होता है, परमानेंट माला लग जाती है। ये प्रैक्टिकल लाइफ है, समझने की कोशिश की, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। तनाव आने के लिए रीजंस क्या है, हम पास्ट नहीं छोड़ रहे, पहली चीज हम पास्ट नहीं छोड़ रहे, दूसरी चीज हम मैं नहीं छोड़ रहे कि मैं क्या करूँगा, तीसरी चीज ये है हम मैनेजमेंट नहीं कर रहे। हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, समझने की कोशिश कीजिए, सिंपली मैनेजमेंट, अगर मैंने पास्ट में कोई बहुत बड़ी सक्सेस पाई है और मैं उस सक्सेस को हमेशा पब्लिक के सामने ये बोलूं कि मैंने उस समय ये किया था, मैं इस पद पे था, मैंने ये किया, वो किया, सारी चीजें की, लेकिन तुम आज क्या कर रहे हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपका पर डे आज बेस्ट डे है, आप पर डे के हिसाब से आप आज क्या करोगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपका एक बहुत सिंपल सी समझिए, नेक की विजिट होती है अपने यहाँ, नेक की विजिट होती है, ठीक है, नेक की विजिट के समय पूरा स्टाफ, मैं हर कॉलेज जाता हूँ, हर कॉलेज के अंदर मेरी चीज देखी है, मैक्सिमम ये होता है कि अभी पिछले तीन सालों से नेक की विजिट में कहीं ना कहीं कॉलेज में एंगेज हुई, ठीक है, मैंने एक चीज़ देखी कि नेक के विजिट के समय हम सब एक हो जाते हैं, ये सुन, हम सब एक हो जाएंगे, सबका ऑब्जेक्ट एक होता है, क्या होता है कि हमें ए ग्रेड चाहिए, ये सुनो हम उस समय भागा दौड़ी करेंगे, सब कुछ करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बेस्ट टू बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट टू बेस्ट होना चाहिए, और सबकी सुन भी लेंगे, सारी चीज़ सुन लेते हैं, लेकिन क्या हम साल भर करते हैं, समझने की कोशिश, साल भर करते हैं क्या, नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम उस समय क्योंकि मेरे पास का इवेंट आ गया कि नेक की विजिट है, क्या आ गया, इवेंट आ गया, नेक की विजिट है, इवेंट को कोई व्यक्ति ने पॉजिटिव ले लिया, किसी ने नेगेटिव ले लिया। मैं एक स्टूडेंट है जो आईएएस ऑफिसर बन चुका है, उसके साथ क्या हुआ 2016 के अंदर, उसको उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, ठीक है, वो आईएएस बन गई, इसका सिलेक्शन हुआ नहीं, इसने टोटल पढ़ाया, सब कुछ किया, उसने साथ छोड़ दिया, ठीक है, उसने उसको पॉजिटिव लिया और उसने पॉजिटिव लेकर 2017 आईएएस में सिलेक्शन हो गया। एक व्यक्ति ये है किसी नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव लेके उसको उससे स्ट्रेस से बाहर निकल के उसको पॉजिटिव चैलेंज लेके सक्सेस पाता है, एक व्यक्ति उसी में कुंठित होके डूबा जाता है क्योंकि उसने इवेंट को हाइट देकर रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इवेंट को हाइट देकर रखा हुआ है कि ये वाली प्रॉब्लम से। अगर मेरे हाथ में जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है, मेरे हाथ में कोई भी प्रॉब्लम आती, कोई भी चीज है, पहले मुझे ये करना है, पहला पॉइंट ये है कि कोई भी प्रॉब्लम, जितनी प्रॉब्लम है, मैं उसको सिर्फ और सिर्फ लिखूं। लाइफ के अंदर कितनी भी प्रॉब्लम आए, किसी भी एज के अंदर आती है, ये बहुत बड़े से बड़े गुरुज भी बताते हैं, ट्रेनर्स बताते हैं कि आपके सामने अगर कोई सलूशन नहीं मिल रहा है तो आपको एक ताकत मिले कलम की, उस कलम से आप लिख के देखिए। मैं सेल्फ एनालिसिस फॉर्म जब फिल करवाता हूँ स्टूडेंट से, जब साइकोलॉजी क्लास के अंदर हम लोग उसके अंदर फॉर्म जब फिलअप करवाते हैं, फॉर्म फिलअप करवाने के बाद में फिर बाद में पूछते हैं बेटा इसको 10 बार पढ़, अब मुझे बता इसमें से सच में ऐसी कोई चीज जो थी लाइफ बर्बाद करी, आप तो कुछ नहीं कर सकता है, सच में ऐसी चीजें, तो उसमें से अपने आप 4 से 5 चीजें कट जाती है, बिकॉज ब्रेन के अंदर क्लैरिटी आना शुरू होती है, क्लैरिटी आती जब कोई चीज लिखी जाती है, क्लैरिटी आती जब कोई चीज दिखी जाती है, क्लैरिटी आती जब कोई चीज मेरे सामने आप मौजूद होती है। जब तक मेरे सामने कोई मौजूद नहीं है तब तक मेरे ब्रेन के अंदर वो कोई ना कोई षड्यंत्र करते जाता है। वो षड्यंत्र ऐसा होता है कि स्ट्रेस में आने के बाद में जब आदमी हाइपरटेंशन को कनेक्ट करता है, हाइपरटेंशन के साथ जब वो एकदम से जाके स्ट्रेस को बहुत हाई लेता है और अकेले में जाके सुसाइड कर जाता है। मैक्सिमम केसेस होता है अकेले जाके सुसाइड करता है। सुसाइड करने वालों की संख्या किसकी है, स्टूडेंट्स की ज्यादा है। समझने की कोशिश की है, गलत डिसीजन लेने की संख्या किसकी, स्टूडेंट्स की ज्यादा है। गलत हो रहा है किसका, उसके लिए सबसे बड़ा रीजन कौन है, स्टूडेंट्स है, क्योंकि उनके सोचने और समझने की क्षमता और बड़े के सोचने और समझने की क्षमता में बहुत सारा अंतर होता है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ इमोशनली टूटते हैं तो वो सिर्फ इमोशनली टूटते हैं, वो इमोशनली टूटने के साथ साथ वो ये देखते हैं कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। हमारे और आपके साथ कोई लॉस होता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि इसके लिए ऑप्शन क्या है, कि अगर ये प्रॉब्लम हो गई इसके लिए ऑप्शन क्या है, किस ऑप्शन से बाहर निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ, उस ऑप्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करता है, वो उसमें जाता है, उसके बार बार सोचेगा किसी व्यक्ति ने किसी साथ बुरा किया है, हमारा कोई पैसा लेके चला गया, उसे बुरा करके चला गया,
चला गया अपने लाइफ, बहुत अच्छे से जी रहा है, बहुत अच्छे से जी रहा है, लेकिन हम उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं। परेशानी में कौन, परेशानी में कौन, झगड़ा हो गया ना रस्ते में, अपना झगड़ा हो गया, सारी चीज़ों किसी मारा पीटी कर दी, सब कुछ हो गया, बहुत बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका, वो तो लड़ाई करके चला गया। अब हमारे दिन भर दिमाग में दिन भर वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही चल रहा है, तो राजा कौन है इस समय? राजा कौन है? वो व्यक्ति ना जिसने हमारे दिमाग के ऊपर, दिमाग के ऊपर राज करके रखा हुआ है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि उसने मेरे दिमाग के ऊपर राज करके रखा है, वो मेरे ऊपर काम कर रहा है, तो वो किस हिसाब से काम करेगा वो समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, हमारे समाज के अंदर हर परिवार के अंदर माता पिता के द्वारा कोई ना कोई एक चीज मिलती है जिसका हम बहुत संभाल करते हैं, ये सुन, कई लोगों के पास होता है बाकी पापा की दी हुई साइकिल नहीं बेचेंगे, ठीक है, मेरे पापा के पास दादाजी के समय की चीजें वो नहीं बेचते, ठीक है, हमारे छोटा भाई शिव, उसके पापा को उसके दादाजी के समय राजदूत मिली थी, नहीं बेचते पड़ी हुई, ऐसा हर घर के अंदर होता है कि ये मेरे पापा की निशानी, ये मम्मी की निशानी, ये सब होती है, सबके पास होता है ना, कोई गिफ्ट है, कोई भी चीज़ है, ये होता नहीं होता है। मैं आपसे पूछता हूँ माता पिता से मिलने वाला सबसे बड़ी निशानी क्या है? एग्जैक्टली क्या है? संस्कार तो बाद में आए, हम है। माता पिता से मिलने वाले सबसे बड़ा तोहफा क्या है? हम है, हम है, ठीक है। और अगर क्या कोई माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुखी रहे? क्या कोई माँ, आप लोग भी मम्मी लोग हैं, आप भी पापा लोग हैं, क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा भूखा सोए, या आप रोते हुए रहें, या तनाव में रहें, कोई भी ऐसा चाहेगा? अगर वो हैं या नहीं है, क्या वो कभी भी ये चाहेंगे कि आपके साथ पर्सनली आपकी बॉडी को लेकर आप परेशानी में रहो? तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? वो राजदूत को संभालना नहीं है, वो घर के अंदर पड़ी हुई फोटो को संभालना नहीं है, उस घर के अंदर कोई मिरर रखे उसको संभालना नहीं है, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम स्वस्थ रहें। जस्ट बिकॉज, क्योंकि जब हम नहीं बोलते थे तब हमारी माँ समझ जाती थी, और हम बाद में ये बोलते हैं कि माँ मेरी समझती नहीं, जब नहीं बोलते तब वो समझ जाती थी, हम बाद में बोलते हैं कि वो मेरी माँ मुझे समझती नहीं है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम ज्यादा समझने लगे, हम ज्यादा समझने लगे। बस यही है एक पट्टी हमारी आंखों पे, ये सिंपल ये पढ़िए, साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारे लेक्चर दिए हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके, ठीक है, फिर धर्म के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई है, बट आई बिलीव इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ इधर उधर कि यहाँ ये हुआ यहाँ ये हुआ, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ में आपका पर्सनल अलग है, इनका पर्सनल अलग है, आपका पर्सनल, सबकी पर्सनल लाइफ के अंदर अलग है, तो पर्सनल चैलेंजेस अलग, सबके पर्सनल चैलेंजेस अलग है, उससे मुझे कोप अप करके बाहर निकलने के लिए क्या है सोल्यूशन नंबर वन, सबसे पहले जो भी आपको तनाव का कारण है, जो भी तनाव का कारण है उसको सबसे पहले लिखना शुरू कीजिए, सबसे पहले उसको लिखना शुरू करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आधे स्टूडेंट से बोलो कि लिखा करो, तो स्टूडेंट ये बोलते हैं सर लिख लेते हैं, हमें परसेंट आई किसी देख ली तो दिक्कत नहीं। मैंने कहा यार परसेंट आई तुम लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड क्यों लिखते हो कि ऐसा हो रहा है? कोई चीज हो रही है अगर बुरी से बुरी हो तो आप उसे वर्ड टू वर्ड ऐसे लिखोगे, ठीक है, आप पढ़े लिखे हो समझदार, आपको ये पता है कि कौन से कीवर्ड यूज होने चाहिए कौन से नहीं होने चाहिए, ठीक है, मैं वहां गया, मैं उससे मिला, उसने मुझे छोड़ दिया, अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा सब लिख रहे हैं, पापा ने पढ़ लिया, पापा को सीधी सीधा लिखा करेंगे, क्योंकि मैंने क्या किया वर्ड टू वर्ड लिखा है, इतनी तारीख को हम मिले थे, इतनी तारीख को हाँ हुआ था, इतनी तारीख को ये हुआ, इतनी तारीख को हम अलग हो गए, ठीक है, अब हमने वर्ड टू वर्ड लिखा है, तो पापा दिमाग में क्या, मैंने पढ़ाने भेजा था बेटा, तेरे डिग्री लेने भेजा, डिप्लोमा लेके आ गए, समझने की कोशिश कीजिए क्या हो गया, वो रीजन सामने दिख रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज क्या है, अब मैंने लिख भी लिया है, लिखने के बाद में मेरे को प्लस और माइनस से क्रॉस भी करना है कि इसको मैं कितने समय देने वाला हूँ, कितना समय देने वाला हूँ। तनाव को बचाने के लिए, रोकने के लिए लोग बोल तो देते हैं कि भाई मेडिटेशन करो, देखिए शॉर्ट टर्म बहुत सारी चीजें हैं, शॉर्ट टर्म बोलेगा कि आदमी कि भाई तनाव में हो तो एक काम करो तो गाने सुन लो, है ना, या ट्रेवलिंग करने चले जाओ, जो आपको पसंद है वो आप काम करो, है ना, कुछ अच्छा पढ़ लो, ठीक है, मेडिटेशन करो, ठीक है, मोटिवेशनल वीडियोज देख लो, देश मेरा चैनल उसमें से कोई भी मोटिवेशन वीडियो देखो, जिसको आप फॉलो करते हो उसको सुन लो, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगता है, आप क्रिकेट पसंद करते हो उसकी बहुत बहुत अच्छी पारी देखो, समझने की कोशिश कीजिए क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन है। दुनिया के कितने भी बड़े मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, कितने बड़े गुरुज हैं, वो हर गुरु की बात कितने समय तक रहती है, जब तक आप उनके ओरा के अंदर तक हो, जब आप उनके ओरा से बाहर गए तो क्या हुआ, बात खराब हो गई। क्लास के अंदर मैं भी ये समझाता हूँ कि भाई मैं यहाँ अगर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक आदमी हूँ, लेकिन लाखों आदमी ऐसे हैं जो आपकी बातों, आपसे और भी बातें करने वाले। भाई जो मैम ने मेरे साथ दिया ना कि हमारे समाज को बिगाड़ने के लिए अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ होता है तो उसके ऊपर सबका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत टाइट होती तो ऐसा कुछ होता क्या? अगर हमारे डिफेंस बहुत टाइट होता तो ऐसा कुछ होता क्या?
कोई भी चीज़ होता क्या, लेकिन एक ही व्यक्ति को अच्छा कहता है तो एक ही व्यक्ति बहुत बुरा भी कर देता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, सबका साथ होता है, सबका साथ होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबका साथ होता है, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इवेंट जो अपने सामने आता है उस इवेंट में मेरे सोल्यूशन कैसे चाहिए कैसे नहीं चाहिए वो मुझे सोचना है, कोई दूसरा नहीं सोचेगा। देखिए, मैं आपके तनाव को हटाने के लिए कुछ कर नहीं सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सोल्यूशंस दे सकता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ ये रास्ते अपनाएं। अब जरूरी नहीं है, मेरी सारी की सारी बातें फ्लेक्सिबल जो कैप होती है उसकी तरह होती है। मैं बच्चों से ये बोलता हूँ, भाई तेरे को जो समझ में आता है तुम वो रख, ठीक है। जरूरी नहीं कि मेरा कोई एक सोल्यूशन सबके लिए हो। मैथ्स के टीचर साथ हो तो मैथ्स के टीचर एक क्वेश्चन को अगर एक बार बताएंगे बच्चा नहीं समझेगा, लेकिन एक क्वेश्चन को 10 टाइप से बताएंगे तो 10 प्रकार से 10 के 10 बच्चों को 10 प्रकार के रास्ते मिलेंगे कि इस क्वेश्चन को हम 10 प्रकार से कैसे सोल्यूशन दे सकते हैं। एक सोल्यूशन आप देखे चलेगा तो क्या हो गया, वो शायद एक ही बच्चे तक पहुंच पाएगा, लेकिन 10 सोल्यूशन दिए तो क्या होगा, 10 लोगों के पास पहुंच सकता है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि 10 लोगों के पास कैसे पहुंचेगा कैसे नहीं पहुंचेगा। तनाव मेरा है तो मुझे समझना है कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई कारण है। अगर पैसा नहीं है तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि मैं पैसा कैसे अर्न कर सकता हूं। लोगों का पैसा नहीं उनको तनाव, जिनका पैसा है उनको तनाव, जिनका बहुत पैसा उनको तनाव है, डिमोनेटाइजेशन हो गया, पैसा डाले आप हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी इतनी सारी हम उसे कैसे सेट करेंगे। एक्चुअली हमें ये नहीं पता है, हमें ये एंगेजमेंट नहीं हमारे ब्रेन के साथ में कि एक्चुअली मेरी नीड क्या है, हमारी नीड क्या है। हमें सब कुछ बहुत सारा चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, हर चीज़। हमें ये चाहिए कि हर व्यक्ति मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, क्या हर व्यक्ति मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, हर व्यक्ति समझने की कोशिश करे, हर व्यक्ति मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, ठीक है। मैं जहाँ जाऊँ मुझे सम्मान मिले, मैं कोई भी काम करूँ उसमें सफल हो जाए। गुस्सा कब आता है, जब मेरे अनुसार काम होता नहीं है, क्रोध का कारण ना, मेरे अनुसार काम होता नहीं है तब वहाँ पर हमें क्रोध आने लगता है। जब क्रोध ऊपर चलता है, परवान चढ़ता है, तो क्या होता है, तनाव का रास्ता लेता है और वो गुस्सा बदल के सिर्फ उसे हमारा नुकसान करता है, सिर्फ उसे हमारा नुकसान करता है। कि उस नुकसान से निकलने के लिए हम उसे नोट डाउन कैसे करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैंने चीज़ों को नोट डाउन किया, अब उसके लिए मैं सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करना है, क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। देखिए, मोटिवेशन वीडियो हुआ, कोई भी चीज़ हुआ, सारी चीज़ों से हटने का परमानेंट सोल्यूशन है, बहुत सिंपल सी एक ही चीज़ है, बहुत सिंपल सा एक ही सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन ये है कि उस इवेंट को आइडेंटिफाई कीजिए, उस इवेंट के अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो कुछ कीजिए, नहीं कर सकते तो उसको छोड़ दीजिए, सिंपल सी चीज़। उस इवेंट अगर मैं अभी कुछ कर सकता हूँ तो मैं उसके लिए सोल्यूशन में नहीं कर सकता हूँ तो उसको छोड़ दीजिए, उसको साइड में रखिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तनाव हर एक जिंदगी में आएगा, जब तक हम जी रहे तब तक तनाव आना ही आना है। अगर हम अगर हो गया ना, कहते कब्रिस्तान में जो लोग होते हैं वही एक जैसे लोग हैं जिनके ऊपर तनाव नहीं, अदरवाइज हम लोग हम सबके ऊपर तनाव होना ही होना, ठीक है। आप में से किसी कोई क्वेश्चन है तनाव से संबंधित जो आपको लगता है मैं सोल्यूशन दे सकता हूँ? एनी क्वेश्चन? सर ने तो ऑलरेडी स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास ली भी है। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क? ये क्वेश्चन आएगा दो पार्ट से, या तो ये है कि या तो चीज़ समझ में आ गई है ना, या चीज़ समझ में नहीं आई है ना। जी बोलिए प्लीज। काम करने का तरीका सही होता है, लेकिन काफ़ी लोग उसको नेगेटिव सोचते हैं। ये नॉर्मली सभी के साथ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, मैक्सिमम सभी को इससे परेशानी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सबके साथ ही होता है, ठीक है, कि ये चार लोग क्या सोचते हैं, है ना। चार लोग की थोड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है। चार लोग क्या सोचते हैं, बेटी घर से निकली, देख बेटा लेट हो गई, चार लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। बेटे ने कुछ कह दिया, बेटा ये चार लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, ये चार लोग क्या सोचेंगे। एक्चुअली पता किसी को नहीं चार लोग भेंगे, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक्चुअली क्या है, पता किसी को नहीं ये चार लोग भेंगे हो, ठीक है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मैं अगर मैं जिस फैमिली से हूँ, मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बींग अ फैमिली पर्सन पर्सनल लाइफ, मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेरे माता पिता की, मेरी सिर्फ और सिर्फ पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे माता पिता की। उसके बाद मेरी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर प्रोफेशनल लाइफ में हूँ, मेरे जॉब के प्रति, जहाँ से मेरे को पैसा मिल रहा है, मेरी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उसके प्रति। तीसरा सच ये है कि हम दुनिया में सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, हम कभी भी दुनिया में सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। हो सकता है मालवीय सर किसी के लिए बहुत बड़े आइडियल हैं, हो सकता है मालवीय सर किसी के लिए इतने बुरे हैं कि जिंदगी बर्बाद, समझने की कोशिश की,
समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हो सकता है सरोज दीदी किसी के लिए बहुत बड़ी आइडिया है, हो सकता है सरोज दीदी किसी के लिए यार कैसी है वो, ये समझ लीजिए, सबका एक अपना अपना आईक्यू है, ठीक है। और जो आईक्यू आपकी लाइफ के अंदर बिलीफ सिस्टम को सेट करता है कि वो बिलीफ सिस्टम कैसा है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई माता जी को मानता है, कोई भोले को मानते हैं, सबने हमने हमने तो बांट के रखा हुआ है। देखिए आप जब तक काम को ये करके सोचेंगे कि हर एक आदमी आपके काम को अच्छा ही बोलेगा तो इट्स कांट बी पॉसिबल। और दूसरी चीज क्रिटिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी, बेस्ट क्रिटिक्स हमारे घर से होते हैं, वो हमारे जो बेस्ट फ्रेंड है जो हमें मुंह पे बोल रहे हैं कि ये गलत है, ठीक है, तो वो बेस्ट क्रिटिक्स है, हमें उस समय तो बुरा लग रहा है लेकिन बाद में समझ में आएगा कि ये सही है या गलत, बाद में समझ में आएगा। देखिए मैं हम दुनिया में अगर आपने काम किया है, आपकी आत्मा बोलती है कि ये मैंने काम सही किया है, इसका रिजल्ट सही है, ठीक है, और इसका आउटपुट 4 दिन के बाद बहुत सही होने वाला है, तो क्या है वो आपकी संतुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि उस काम को करने के बाद में रात में नींद किसको आनी, आपको, ठीक है। देखिए जिसने भी गलत किया है वो रात की नींद उसे बता देती है कि उसने सही किया है या गलत किया है, आज नहीं बताएगी, 2 साल 3 साल 4 साल या अपने अंतिम समय पे जाएगा तब बताएगी। आपने आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान के अंदर वाराणसी है, वाराणसी में एक हाउस बना हुआ है, अगर आपने सुना और डिस्कस किया उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री आई थी, वहाँ एक ऐसा हाउस है जहाँ पे कोई व्यक्ति जब एकदम खत्म होने के लिए होता है, पता है कि 10 दिन बचे हैं 15 दिन बचे हैं, कोई कैंसर है कुछ भी है, डॉक्टर ने बोल दिया कि हम जवाब दे रहे हैं, ठीक है, उस समय वहाँ पर उन्होंने बोला है कि हम लोग इनको रखेंगे और अंतिम समय पर हम इनकी पूरी सेवा करेंगे, तो एक ऐसा हाउस, ठीक है। अब उस हाउस पर जाके सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जो अपनी लाइफ में आप नहीं कर पाए सारी चीज़ें। तो उसने जब मैंने जब डॉक्यूमेंट्री देखी तो डॉक्यूमेंट्री बताया था कि एक व्यक्ति आए थे, उनको बस यही मिला था कि कम से कम 35-40 साल से उनके भाई की उनकी बात नहीं हुई, पिता शांत हुए थे, उनकी जिम्मेदारी थी अपने भाई की, ठीक है, शादी हुई, भाई की वो अलग हो गए, ये अलग हो गए, बस एक ही गिला था कि जो छोटी सी बात के कारण वो विवाद हुआ था उस विवाद के कारण वो तो अलग हो गए थे, और वो बात मेरे को आज तक खाती है, कोई भी चीज़ हो कुछ भी हो मेरे को भाई की याद आती है। वो लोग ऐसा कुछ सोल्यूशन कहते हैं कि उस व्यक्ति से मिलवाते हैं, उस व्यक्ति को 25 से 27 दिन थे उसे मरने के लिए, तीसरे दिन उसने ये ख्वाहिश रखी थी कि मेरी ऐसी ऐसी ख्वाहिश है, ठीक है, 4 दिन के बाद उसको उससे मिलाते हैं, उसे भाई को बुलाते हैं, यू कांट बिलीव, वो भाई से मिलते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, 4 घंटे के बाद शांत हो जाते हैं, इसको 27 दिन के बाद मरने वाले थे, 7वें दिन वो भाई से मिलते हैं, उनकी अंतिम इच्छा थी वो पूरी होती है, कि अब वो बोलते हैं उनका ये मानना है भगवद गीता के अनुसार वो लोग चलते हैं कि अब आदमी को पीस तब मिलेगा जब उसके मन के जो बात रही है वो चलेगी। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मुस्लिम समुदाय के अंदर कहा जाता है कि हज जाना है, हज जाने के लिए कहा जाता है कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करो फिर हज पे जाइए, ठीक है। मुझे एक बात समझ में आती है, हम लोग भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, साई जी जाते हैं, हम लोग ईश्वर का नाम या तीर्थ स्थानों का तब जाते हैं जब हम कुछ करने के लायक नहीं, ठीक है, हम सोचते रिटायर हो जाएंगे, उम्र हो जाएगी, सब जाएंगे तब जाएंगे, घुटनों में दर्द है, आँखों से दिखना कम हो चुका है, थोड़ा सा चलते हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ा हुआ है, तब हम जाते हैं। भगवान तो ये बोलते हैं भाई जब स्वस्थ हो तब मुझसे मिल रहे हो, लेकिन हम करते क्या है, हम उनके लिए समय अलग से निकालते हैं, अलग से समय निकालते हैं, समझने की कोशिश की है। तो दुनिया के अंदर हम किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, पॉइंट नंबर 1, कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने मेरा काम किया तो दूसरी चीज़ ये है कि मेरे काम के अंदर मेरे प्रिंसिपल्स होने चाहिए, जिस व्यक्ति के प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ में कहीं ना कहीं जाके उसका नाम बनेगा ही बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा ही बनेगा। वो प्रॉब्लम्स एक मुझे एक ऐसा आदमी बता दीजिए जो आज सक्सेस से उसे प्रॉब्लम्स फेस नहीं की, एक आदमी बता दीजिए, 30 आदमी की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर वो बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनको बड़े घरों के अंदर पैदा हो गए हैं, उनका तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा चलता है, माँ बाप ने बहुत अच्छा काम किया, ये किया वो किया है, तो वो हम दूसरी चीज़ ये बोलते हैं कि हमें पैदा करने वाले कौन है, एक्चुअली वो ईश्वर है, तो वो ईश्वर को पता है कि बच्चे कैसे, जो बच्चे सही कर सकते हैं। देखिएगा हमेशा परेशानी किसके लाइफ में आती है, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास की, क्योंकि उन्हें मालूम ये लोग फाइट कर जाएंगे, ये फाइट कर जाएंगे, इसलिए उन्हें वहाँ पटका जाता है कि तुम फाइट करो अपना नाम बनाओ, लेकिन जो नहीं कर पाता ना उन्हें बड़े घर के अंदर छोड़ देते हैं। देखिए वो सारी बीमारियाँ बड़े घर के बच्चों को मिलेगी जो हमने नाम ही नहीं सुना हो, लेकिन छोटे घर छोटे बच्चों में छोटे परिवार के बच्चों को ऐसे नहीं होगा, ऐसे कुछ भी नहीं होता, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो फाइट करना जानते हैं, ठीक है, मिट्टी से जुड़े होते हैं। देखिए आकाश जो बादल है, आकाश है वो जमीन, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी कर ले कैसे वो बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि ये जब अपनी पे आया तो क्या हो जाए पता है ना, उत्तराखंड में सबको मालूम है कहाँ पे क्या हो सकता है, कहाँ क्या नहीं सकता है ना। प्रैक्टिकल है, मुझे ये सोचना है कि मैंने जो काम किया वो सही है या गलत है। अभी मैं 10 मिनट पहले सर के साथ बैठा था वहाँ पे एमसीए में, ठीक है, सर स्कॉलरशिप का कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनने बताया कि मेरे को ये पॉइंट के साथ ये सही लगता है कि ये पॉइंट के साथ सही होना चाहिए, मतलब उनकी संतुष्टि,
मतलब आप जितने लोग हैं, आप लोग काम करते हैं, आप लोग पढ़ाते हैं, तो बेशक बहुत अच्छे से काम करवाते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सच में टीचर है तो वो टीचर तब तक जागेगा जब आपके बच्चे का